उत्तरकाशी के हरसिल में सरकार ने सेब महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन इस बार सेब की फसल का उत्पादन कम होने से किसानों में मायूसी देखने को मिली है। सेब बागबानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सेब उत्पादन का ग्राफ काफी गिर चुका है, जिसके कारण इस बार सेब महंगा भी बिक रहा है और सेब की कीमत लगभग 50 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, जबकि पिछले वर्ष उत्पादन अधिक होने के कारण यही कीमत तकरीबन 30 से 150 रुपये थी। वहीं काश्तकारों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज संचालक भी उनका पूरा सेब नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसे में उनको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जो है हमारा फसल, जितना हमारा किसानों ने मेहनत की है उस हिसाब से फसल बहुत इस बार खराब रहा है, और दाम जो है इस बार इसके बहुत ज़्यादा हुए। छिड़काव किया है लेकिन दवाई में कुछ कमियां शायद हो सकती है, लेकिन शायद डॉज उसका बढ़ाना पड़ेगा या किसान को उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला ना के बराबर जितना मेहनत किया। कई किसान ऐसा है कि इसी शो पर निर्भर है, सेब पर निर्भर है खेत में, और लोगों को जो है इस बार नुकसान बहुत हुआ है। और सरकार से ये हमारा मतलब इच्छा है कि अगले बार जो है इस बीमारी को किसी दवाई से या किसी उससे दूर किया जाए। और आज जो है किसान जो बढ़िया माल था उसको तो जो है लेके जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं जी, हमने जो बाउंड कर रखा उतना माल लेंगे, बाकी जो हमारा बचा हुआ सेब है वो कहाँ जाएगा। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार को बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेब है और जो किसानों को जो पेमेंट नहीं हो पा रही, हमको ये बताया गया था कि आपका जो सड़क पर जो है माल आएगा और जैसे वजन तोला जाएगा उसके बाद आपको जो ऑन पेमेंट तुरंत दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ किसानों को जो है एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो लोग जो यहाँ पे मशीन लगाई थी वो मशीन बंद करके अब नीचे दे जा रहे हैं और हम लोग अधूरे में हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जिन लोगों का सेब बचता है वो कहाँ जाएगा, अच्छा अच्छा सेब जो है ऊपर का जो है चोर का माल वो ले जा रहे हैं, फिर बचा हुआ सेब कौन ले जाएगा।